श्योपुर जिले के कराहल घाटी के पास स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पुल से टकराकर फंस गई। गनीमत रही कि बस रुक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। थोड़ी दूरी पर 33 केवी लाइन का बिजली का खंभा था। बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। उन्हें इलाज के लिए कराहल, पोहरी और शिवपुरी के जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जय दुर्गा बस सर्विस की स्लीपर बस यात्रियों को लेकर जयपुर से शिवपुरी आ रही थी, और इसी दौरान श्योपुर जिले के कराहल की घाटी के पास बस अनियंत्रित होकर पेड़ों को तोड़ते हुए पुलिया से टकरा गई। गांव निवासी मुंशी जाटव ने बताया कि वो पुल पर जा रहा था, वो अपनी पत्नी के साथ जयपुर से लौट रहा था, और इसी दौरान रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उसकी पत्नी भी घायल हो गई। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट।